पहले 3G, फिर 4G और फिफ्थ जनरेशन के बाद अब 6th जनरेशन। शायद आप तक अभी तक 5G नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन भारत ने 6G की तैयारियां कर ली हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने भारत के इस 6th जनरेशन विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 6G रिसर्च और डेवलपमेंट टेस्ट बेड लॉन्च किया है। विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान एक नए अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि 6G R&D टेस्ट बैंड देश में एक नई तकनीक को तेजी से अपनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत 4G से पहले दूर संचार प्रौद्योगिकी का केवल एक उपयोगकर्ता था, लेकिन आज यह दुनिया में दूर संचार प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, भारत 5G की ताकत से पूरी दुनिया की कार्य संस्कृति को बदलने के लिए कई देशों के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये 100 नई लैब भारत की अनूठी जरूरतों के हिसाब से 5G एप्लीकेशन विकसित करने में मदद करेंगे। 5G स्मार्ट क्लासरूम, खेती, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट या हेल्थ केयर एप्लीकेशन, भारत हर दिशा में तेजी से काम कर रहा है। 5G रोल आउट होने के 6 महीने के अंदर ही भारत 6th जनरेशन की ओर बढ़ गया है। भारत में 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज हुआ है। 120 दिनों में ही ये 125 से अधिक शहरों में पहुंच चुका है। लगभग 350 जिलों में 5G की सर्विस पहुंच चुकी है। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया कि 5G टेक्नोलॉजी से 10,000 Mbps की अधिकतम गति की क्षमता के साथ 1100 Mbps की स्पीड मिलती है। वहीं 6G से हर सेकंड 1 TB तक की स्पीड के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलेगी। और गौर करने वाली बात यह है कि ये 5G की टॉप स्पीड से 1000 गुना ज़्यादा है। 6G विजन डॉक्यूमेंट को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ने तैयार किया है। इस ग्रुप में कई विभाग, इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के लोग शामिल हैं। इस डॉक्यूमेंट को बनाने की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी। हमारा पड़ोसी देश चीन 2029 तक 6G लॉन्च करने की तैयारी में है। जापान में भी 6G को लॉन्च करने के लिए साल 2030 का टारगेट रखा गया है। अमेरिका का लक्ष्य है कि वो साल 2029 तक या 30 तक 6G लोगों को मुहैया करा सके। माना जा रहा है कि साउथ कोरिया 2026 तक का सबसे पहले 6G लॉन्च कर देगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में 6th जनरेशन को 2028 से 2030 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि ये डिकेट भारत का टेक एड है। पिछले कुछ सालों में देश में बड़े पैमाने पर डिजिटल इंक्लूजन मजबूत हुआ है। 2014 से पहले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लगभग 6 करोड़ यूजर्स थे, अब ये संख्या बढ़कर 80 करोड़ हो गई है। 2014 से पहले इंटरनेट कनेक्शन 25 करोड़ के आसपास थे, जो कि अब 85 करोड़ हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश के गांवों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों के इंटरनेट यूजर्स से कहीं ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों में लगभग 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी बिछाया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपकी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।